अक्षय कुमार आज इंडस्ट्री का वो नाम है जिसका सिर्फ नाम ही काफी है, लेकिन इस नाम को कमाने के लिए अक्षय ने खूब रिजेक्शन भी सही है। आज अक्षय के पास ना तो फिल्मों की, ना ही पैसों की और ना ही फेम की कमी है, लेकिन एक टाइम था जब उनके पास काम नहीं था। हर जगह से सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन मिलता रहा। बॉलीवुड के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार ने साल 1992 में मंसूर खान की जो जीता वही सिकंदर फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था। उन्होंने फिल्म में शेखर मल्होत्रा की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, जो आखिरकार दीपक तिजोरी के पास गया था। फिल्म में आमिर खान, पूजा बेदी और आयशा जुल्का ने मुख्य भूमिका निभाई थी। उस समय अक्षय ने सौगंध और डांसर के साथ कुछ मुट्ठी भर फिल्मों में ही एक्टिंग की थी, जो 1991 में रिलीज हुई थी। एक इंटरव्यू के दौरान अक्षय ने बताया था कि दीपक तिजोरी की भूमिका के लिए मैंने स्क्रिप्ट टेस्ट दिया था, लेकिन उन्हें ये पसंद नहीं आया था, मैं अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए उन्होंने मुझे हटा दिया था। आमिर ने कयामत से कयामत तक दिल और दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्मों के साथ खुद को एक लीड हीरो के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया था। तब अक्षय के पास कोई सॉलिड फिल्म मौजूद नहीं थी जिससे कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। हालांकि इस रिजेक्शन के अगले ही महीने अक्षय की किस्मत चल पड़ी और उन्हें मिल गई खिलाड़ी, जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुई। अक्षय कुमार ने पहले अपने संघर्ष के शुरुआती दिनों के बारे में भी कई बार बात की है। उन्होंने कहा कि वो अपने मॉडलिंग असाइनमेंट से चूक गए थे और बाद में दिन में एक मेकअप आर्टिस्ट से मिलने गए, जो निर्माता प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म कंपनी में काम करता था। निर्माता को उनका पोर्टफोलियो पसंद आया, उन्होंने उन्हें पहला चेक दिया, तुरंत 3 फिल्मों के लिए साइन किया। उन्होंने उन्हें पहली फिल्म के लिए 5,000, दूसरी फिल्म के लिए 50,000 और तीसरा चेक 1.5 लाख का दिया। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।